Welcome to All India SAT SC 2019. This is test number 8. We have discussed 1 to 10 questions already. This is question number 11. Consider the following major agriculture revolutions in India and associated major personalities. Green revolution hai pehla hamare paas MS Swaminathan, bilkul sahi hai. Bahut pehle se padhte aaye ho. Theek hai? Ye hamare paas hai first hamare paas sahi hai. Blue revolution Norman Borlaug galat hai. Norman Borlaug agriculture ek prize bhi hota hai, yaad kar lo usko. वैसे भी ब्लू रिवॉल्यूशन के जो फादर हैं वो ये नहीं है, वो है हरिलाल चौधरी. ठीक है, वाइट रिवॉल्यूशन हमारे पास वर्गस कुरियर, ये बिल्कुल सही है. गोल्डन रिवॉल्यूशन हरिलाल चौधरी गलत है. तो आंसर 1 and 3 आंसर हो गया, 1 and 3. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. डी आंसर हो गया. 12 पे चलते हैं. मोस्ट ऑफ द साउथ एशियन रीजन इज रेस्टिंग ऑन इंडियन प्लेट एंड नॉर्थ द नॉर्थली पोर्शन ऑफ द इंडो ओशियन प्लेट सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ यूरेशियन प्लेट. बिल्कुल सही है कि ज़्यादातर जो हमारे पास साउथ एशियन जो रीजन है वो हमारे पास इंडियन प्लेट पर साइड करते हैं. ठीक है, और ओस्टर्न प्लेट से सेपरेटेड है. नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ इंडियन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ यूरेशियन प्लेट. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. चलते हैं सेकंड पे. साउथ एशिया एक्सपीरियंस अ वाइड वैरायटी ऑफ क्लाइमेट रेंज फ्रॉम ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट टू अल्पाइन क्लाइमेट. अल्पाइन क्लाइमेट क्या होता है? जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जहाँ बर्फ़ें डलती हैं. ठीक है, हिमाचल हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पीछे हिमालय का सारा पार्ट हो गया और ऊपर का पार्ट. ठीक है, इसे कहते हैं अल्पाइन क्लाइमेट. तो साउथ एशिया एक्सपीरियंस इज अ हाई वैरायटी ऑफ क्लाइमेट रेंज. बिल्कुल सही है, साउथ एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और अल्पाइन में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. इसका मतलब 1 and 2 दोनों सही हो गए. आंसर है हमारा सी. ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. द वेट एक ऐसे सीजन के बारे में बताना है. द वेट सीजन इज अ शॉर्टन, जहाँ पे वेट सीजन शॉर्टर होता है, और जो ड्राई सीजन इज अ लॉन्गर विद द ड्राउट बींग मोर सेवरल टेम्परेचर हायर थ्रू आउट द ईयर. पूरी साल भर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वेट सीजन कम होता है, और हमारे पास सूखा बहुत ज़्यादा होता है. ड्यूनर रेंज ऑफ टेम्परेचर आर ग्रेटेस्ट इन द ड्राई सीजन. डेसिडियस फॉरेस्ट एंड ट्री शेडल्ड ग्रास ऑकर्स इन दिस क्लाइमेट. दिस टाइप ऑफ द क्लाइमेट मोस्टली लाइकली टू फाउंड इन अमेजोना फॉरेस्ट इन द ब्राज़ील. ब्राज़ील के अंदर जो अमेजोना फॉरेस्ट है वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर ज़्यादा गर्मी है, और इतनी गर्मी है कि पूरे साल तक गर्मी बढ़ती रहती है. ठीक है, डेसिडियस फॉरेस्ट है वहाँ पर. ठीक है, और वेट सीजन में शॉर्ट होता है, और सूखा वहाँ पर ज़्यादा होता है, और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है पूरे साल तक. तो हम ऐसे इस एरिया को कहाँ पर जोड़ेंगे हम? नॉर्थ साउथ ऑफ अमेजोना फॉरेस्ट ऑफ इन ब्राज़ील. ब्राज़ील के अंदर जो अमेजोन फॉरेस्ट है उसका नॉर्थ साउथ का पार्ट हम इस तरह से जोड़ सकते हैं. मेडिटेरेनियन रीजन नहीं है, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया नहीं है, साउथ कोस्ट साउथ अमेरिका नहीं है. आंसर है इसका बी. 15 में चलते हैं. यूनाइटेड नेशनल डिसमेंटल कमीशन UNDC हैज़ बीन हाउस्ड अंडर, ये किसके अंडर में आती है? यूनाइटेड नेशनल डिसमेंटल कमीशन किसके अंडर में आता है? यह आता है यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जिसके पास मेंबर होते हैं, पता है ना आपको. चलिए ठीक है, आंसर है हमारे पास ए. आगे बढ़ते हैं. आंसर है हमारे पास 15 में क्वेश्चन चलते हैं. राइट टू द इक्वलिटी बिफोर द लॉ इज नॉट इफेक्टिव इन इंडिया. सिटीजन डू नॉट हैव द फंडामेंटल राइट टू द डिफेंड बाय द लॉवर्स. गलत है. राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ इज नॉट इफेक्टिवली इंडिया. इफेक्ट कह रहे हैं कि राइट टू जो इक्वलिटी है वो इंडिया के अंदर इफेक्टिवली नहीं है, और ना ही फंडामेंटल राइट मिलता है डिफेंड करने के लिए बाय द लॉ वर्क को. गलत है. मिलता है क्यों नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है. इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड अ लॉयर टू एनी सिटीजन हु आर अनेबल टू इंगेज वन ड्यू टू द पॉवर्टी और अदर डिसेबिलिटी. DPSP के अंदर है, डायरेक्ट स्टेट प्रिंसिपल के आर्टिकल नंबर 39A के अंदर यही है कि जो आदमी गरीब हैं उनको फ्री लीगल एड्स दिया जा सकता है. तो आंसर 2 हमारे पास सही है, 1 हमारे पास गलत है. आंसर हो गया बी. चलिए 16 में चलते हैं. द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस जो गैसेज है हमारे पास सबसे ज़्यादा कौन देता है? CO2 देता है पहला, फिर देता है मीथेन. तो पहला आंसर हो गया बी. पहला यहाँ पढ़ लो आप, पहले CO2 है, फिर मीथेन है, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड है, फिर ओजोन है हमारे पास. याद कर लो, CO2, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर हमारे पास ओजोन. चलिए, द प्लेस डैट लाइज क्लोज टू द स्टेट लाइन लासा तिब्बत और थुम्पा भूटान को अगर हम लाइन को जोड़ते हैं तो बीच में कौन सा प्लेस बनता है? वो बनता है विशाखापट्टनम. देखो मैप बेस क्वेश्चन, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता. भूटान से जोड़ा थुम्बा, और नीचे आ गए आप जोड़ते तिब्बत को जोड़ते विशाखापट्टनम से पास हो रहा है. ठीक है, तो फालतू क्वेश्चन है. द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो चल रहा है हमारे पास, HGP इज इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट विद द गोल ऑफ. इसका गोल क्या है? पहला हमारे पास है डिटरमाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ केमिकल बेस पेयर्स
विच मेकअप ह्यूमन डीएनए, जिससे डीएनए बनता है उस केमिकल को डिटरमाइन करना, सिक्वेंस को डिटरमाइन करना, ये इसका प्रोजेक्ट का पार्ट है। बिल्कुल सही है। आइडेंटिफाइंग एंड मैपिंग द ओल्ड जीन्स ऑफ ह्यूमन के जीन होते हैं उसकी मैपिंग करना और आइडेंटिफाई करना, ये भी इसका पार्ट है। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे पढ़ोगे तो सही लगेगा आपको, दोनों वन एंड टू बिल्कुल सही है, कुछ अलग बात नहीं है। 18 का होगा सी आंसर। 19 पे आ जाओ। एशियन हाईवे 1 AHI स्टार्ट एंड एंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कहाँ से खत्म होता है, कहाँ से खत्म होता है एशियन हाईवे 1, ये जापान से तुर्की के बीच में है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई अलग से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। द अर्थ मैग्नेटिक इफेक्ट इज एट्रीब्यूटेड टू द डायनेमो इफेक्ट ऑफ सर्कुलेटिंग करंट विद इन द अर्थ, बिल्कुल सही है। अर्थ का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है एक तरह का सर्कुलेशन इलेक्ट्रिक करंट भी पैदा कर सकता है डायनेमो इफेक्ट की तरह, सही है बिल्कुल, है ना, कर सकता है ना। नॉर्थ टू साउथ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड जाती हैं। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड जाती है तो चारों तरफ से करंट बनता है एक जैसे करंट एक तार है उसमें करंट जाता है हमारे पास, उस करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। इंट्रैक्शन ऑफ द टेरिस्ट्रियल मैग्नेटिक फील्ड विद पार्टीज फ्रॉम द सोलर विंड सेटअप अप द कंडीशंस फॉर ओरोरा फिनोमिना नियर द पोल्स, बिल्कुल सही है। हमारे पास ओरोरा बनता है हमारे पास कहाँ पर, पोल्स के दौरान, कब होती है जब मैग्नेटिक फील्ड होती है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है विद द पार्टिकल्स फ्रॉम सोलर विंड्स, जो सोलर विंड्स निकलती हैं सूरज से उससे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जिसे हम ओरा कहते हैं, और ये नॉर्वे के अंदर दिखता है हमको नियर द पोल्स। तो आंसर 1 एंड 2 बिल्कुल सही है। तो आंसर बहुत हो गया 1 एंड 2। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।